हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देसी घी लेना है 1 चम्मच, उसके बाद हमने इसमें सूजी डालनी है, हमने 1 पाव सूजी ली है, इसको हमने इसमें थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है। ये हमने सूजी को अच्छे से मिक्स किया है घी में, अब हमने इसमें 1/2 किलो दूध डालना है। अब हमने इसको अच्छे से मिलाना है, देख सकते हैं। अरे आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो थोड़ी थोड़ी सख्त हो रही है। हमने इसको बहुत ज्यादा सख्त नहीं करना है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन के पेड़े हैं वो फट सकते हैं। हमने इनको थोड़ा थोड़ा नरम ही रखना है। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो सूजी है ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमने 1/2 किलो पानी लिया है, इसमें हमने 1/2 किलो शक्कर, 1/2 किलो चीनी लेना है, शक्कर नहीं चीनी लेना है। फिर हमने इसको अब हमने इसको अच्छे से हिलाते रहना है ताकि जो हमारी चीनी है वो नीचे ना लगे। तब तक हम इस सूजी को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर 1 चम्मच लिया है वो मिक्स करेंगे, वो हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है। हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। हमने इतना सा लेना है, फिर हमने इसको गोल गोल करके इनको हमने ऐसे ऐसे गोल करना है और ये हमारा एक तैयार हो गया। ऐसे ही करके हमने दूसरे भी बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो पेड़े हैं वो सारे बना दिए हैं। हमारी जो चाशनी है ये भी तैयार है, अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, अब हम इसको गरम करते हैं। हमारा जो तेल है ये गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये पेड़े डाल देंगे। अब हमने इनको हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे डाउट्स हैं ये ब्राउन हो रहे हैं। इसी तरह हमने इनको ब्राउन करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल देंगे। हमने ये निकाल दिए हैं सारे, अब हम इनको चाशनी में ऐड करेंगे जो हमने चाशनी बनाई थी। अब हमने इनको चाशनी में 10 मिनट तक रखना है। हमने ज्यादा टाइम नहीं रखना है क्योंकि जो ये रसगुल्ले गुलाब जामुन है ये फट सकते हैं, इसलिए हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए इनको ढक के रखा। अब आप देख सकते हैं हमारे जो गुलाब जामुन है ये अच्छे से चाशनी में घुल गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे छोटी सी बाउल में सर्व करने के लिए। हमने गुलाब जामुन को बाउल में रख दिया है, अब हम आपको दिखाएंगे खोल के कि एक कैसा बना है। आप देख सकते हैं कि अंदर से
कितना अच्छा बना है। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।